है कि जिंदा में सभी अपने होते हैं, मरने के बाद कोई किसी का नहीं रह जाता। यह कहावत मसलिया प्रखंड के हरोराई डी गांव की मृतिका चांद मुनि बास्की के साथ चरितार्थ हुई, जहां उनके देहांत के बाद उनके शव को ड्रोन से ठिकाने लगाया गया। मृतका की भतीजी मुन्नी मरांडी ने बताया कि उनका बस दोष इतना ही था कि वह हाथ व पैर से फाइलेरिया ग्रस्त थी। निधन के बाद गोतिया रखीसल बास्की व जयधन बास्की ने यह कहकर उनका अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया कि उसका रोग हम लोगों को भी हो जाएगा, इसलिए उसे अपने सीमा से बाहर फेंकना चाहिए। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मुखिया पति रखीसल बास्की पर कार्रवाई करने की मांग की है। उनिया आर बंखा दो नुया आत्मा दंते भटका बड़ा ते गुटा चीन हो बाई नाम देता आर नुआरे या करवाई जमन हुई नेगिन नंदा आर ये मितों बोले जो तो कुकुरो मा करवाई मांग दा आपका नाम मुन्नी मरांडी मेरा नाम। क्या कर कौन थे उनका? मुसी मेरा माँ का बड़ी दीदी थी, मंजरी दीदी थी। आप कौन लड़की थे उसका? आपकी कौन लड़की थी? भतीजी। आप आपकी वो कौन लड़की थी? मुसी। हम तो ये कहना चाहते हैं चांद मुनि बस की जो थी तो वो तो यहाँ रहती थी दीदी घर में, लेकिन उसका प्रॉब्लम था, उसका एक पैर एक हाथ में फलेरिया था, तो उसी के वजह से वो लोग का गुतिया वाला जब पहले ठीक थी उसका घर आती थी जाती थी खाती थी पीती थी शादी शुदा में पर्व पूर्वास में सब कुछ बुलाती थी, उसका बनाया हुआ हाथों से खिलाती थी, तभी उसी टाइम सब गुतिया वाला कोई नहीं बोला कि उसका रोग है और बड़ा वाला रोग है रोगा है, ये सब कोई नहीं बोला। और अभी जो जब डेड बॉडी हो गया वो मर गई तो उसी टाइम गुतिया वाला आके चार चार लड़का आया था, मुखिया का हस्बैंड आया था रखीसल वो बस के, और उसका मूल गार्जियन होता है जो मर गई उसका मूल गार्जियन होता है तो क्या। दरभंगा में शॉर्ट सर्किट से एटीएम में अचानक आग लग गई। घटना दरभंगा जिले के कोतवाली थाना के पास एक्सिस बैंक के एटीएम की है, जहां गुरुवार की अहले सुबह अचानक से आग लग गई। वहीं आग लगने से आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दो दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, तब तक एटीएम पूरी तरह जलकर खाक हो गया। हालांकि एटीएम को अभी तक खोलकर देखा नहीं गया है कि एटीएम के अंदर पैसे सुरक्षित है या नहीं। राजधानी पटना के जनकपुर थाना क्षेत्र के पुरंदरपुर चौराहा स्थित मकान में 65 वर्षीय सिविल कोर्ट के रिटायर पेशकार कमल मल्होत्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मामले की जानकारी जकनपुर थाना पुलिस को दी गई। जकनपुर थाने की पुलिस से सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह भी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। गढ़वा जिले के रंका प्रखंड के 80 बूथों से आए बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुखों से पंचायत अध्यक्षों से उन्होंने मुलाकात की। प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हुआ जिसमें मास्टर ट्रेनर अमरजीत सिंह और सुधाकर पांडे रहे। अपने संबोधन में पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह ने बूथ जीतने का मंत्र दिया। पूर्व मंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, अगर हमारे कार्यकर्ताओं का पसीना जहां बहेगा वहां मेरा खून बहेगा। स्तर के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है जो हमारे पंचायत के अध्यक्ष हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं और पन्ना प्रमुख और चूल्हा प्रमुख, इन चारों लोगों को आज यहाँ बुलाया गया है प्रशिक्षण के लिए कि किस तरह से जनता को सच्चाई बताना है और सच्चाई बता करके अपनी ओर मोटिवेट करना है। विश्वास के साथ अपने जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है और सारे लोग इस परिवर्तन यात्रा नवंबर को पटना के गांधी मैदान में लोजपा की विशाल रैली होगी। बोधगया में संपन्न हुआ लोजपा रामविलास की बिहार प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इस बैठक में वैशाली की सांसद वीना देवी और जमुई के सांसद अरुण भारती शामिल हुए, जबकि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने की। बैठक में तमाम जिलों के प्रदेश स्तरीय अध्यक्ष सचिव महासचिव और सभी जिलों के जिला अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हुए। इस दौरान आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया गया।
सांगठनिक रूप से हमारे 44 जिला है, सभी 44 जिला के हमारे जिला अध्यक्ष आए हुए हैं और हम लोग यहाँ पर अपने पार्टी का विस्तार और आने वाला सबसे बड़ा चीज है कि 28 तारीख को 28 नवंबर को पार्टी की स्थापना दिवस है। उस स्थापना दिवस में हम लोग गांधी मैदान में, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने हम लोग को निर्देशित किया है, इस बार स्थापना दिवस 28 नवंबर को हम लोग गांधी मैदान में एक बहुत बड़ा जनसैलाब पूरे बिहार के कोने कोने से, उस पर रणनीति कैसे कार्यकर्ता आएंगे उसका विचार विमर्श था, पार्टी का संगठन, पार्टी की जो हम लोग यहाँ गठबंधन में है उस सब बहुत सारी बातों पर चर्चा। बिहार के जल संसाधन मंत्री और नालंदा के प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी नालंदा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विकास योजनाओं की समीक्षा की और विपक्षी दल आरजेडी पर तंज कसा। हरदेव भवन में आयोजित बैठक में मंत्री चौधरी ने 20 सूत्री कार्यक्रम के सदस्यों, विधायकों, सांसदों और अन्य पदाधिकारियों के साथ नालंदा जिले में चल रही विकास परियोजनाओं पर चर्चा की। इस दौरान मंत्री ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की यात्रा पर चुटकी लेते हुए कहा कि कोई भी पार्टी का नेता पूरी तरह स्वतंत्र है, लेकिन जनता सरकार के प्रदर्शन पर नजर रखती है। सरकार के परफॉर्मेंस पे वो मार्किंग करती है, कहां कौन निकल रहे, हर पार्टी हर नेता स्वतंत्र है। और हम मोतिहारी में बापूधाम रेलवे स्टेशन पर एक चोर को चाकू और ब्लेड के साथ जीआरपी ने गिरफ्तार किया है, वही जबकि चोर का दूसरा साथी भागने में सफल रहा जिसकी पहचान हो गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना के संबंध में जीआरपी थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि जीआरपी की गश्ती टीम स्टेशन पर घूम रही थी, इसी बीच दोनों चोर किसी यात्री को अपना निशाना बनाने की फिराक में घूम रहे थे। इसी बीच गश्ती टीम की नजर पड़ी, दोनों चोर डर कर भागने लगे। जब पीछा किया गया तो एक भाग गया जबकि दूसरा वहीं पर छुप गया, जिसे पकड़कर थाने लाया गया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से चाकू और ब्लेड भी बरामद हुआ। सुपौल जिले में राज्य स्तरीय अंडर 15 और अंडर 17 बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता का शुभारंभ सुपौल के इंडोर स्टेडियम में किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन एमएलसी अजय सिंह, डीएम कौशल कुमार और एसपी शासव यादव ने किया। चैंपियनशिप का फाइनल मैच 14 सितंबर को होगा। यह प्रतियोगिता बिहार के विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ियों के बीच हो रही है, जिसमें कई प्रतिभावान खिलाड़ी अपनी योग्यता का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता से चुने गए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को बिहार राज्य की टीम से खेलने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का भी मौका मिलेगा। ये बैडमिंटन टूर्नामेंट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है, इसमें अंडर 15 अंडर 17 के लोग खेलेंगे। करीब 100 बच्चे बच्चियाँ सभी जिले से आए हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। सभी के रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। 4 दिन तक प्रतियोगिता चलेगा। ये बैडमिंटन टूर्नामेंट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है, इसमें अंडर 15 अंडर 17 के लोग खेलेंगे। करीब 100 बच्चे बच्चियाँ सभी जिले से आए हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं। सभी के रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। 4 दिन तक प्रतियोगिता चलेगा। ये बैडमिंटन टूर्नामेंट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है, इसमें अंडर 15 अंडर 17 के लोग खेलेंगे। करीब 100 बच्चे बच्चियाँ सभी जिले से आए हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं।